ये सुनिए श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 308वां, संगीतकार सतीश भाटिया। जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपने करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो। अंगद चले सब ही सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। उर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करख बड़ी आई, जुगल अतुल बल उनि तरुनाई। चर निकर देखी भट भारी, जहां तह चले न सकही पुकारी। एक एक सन मरम न कही, समुझता सुबद चुप कर रही। भय कोलाहल नगर मझारी, लंका जेही जारी। अब दौ कहां कर ही कर तारा, अति सबीत सब कर ही बिचारा। बिनु पूछे मग देही दिखाई, जेही बिलोक सोई जाई सुखाई। सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज।
निसाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहति बोला दस सीसा, आनहु बोली कहां कर कीसा। सानन बैसे सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। पूजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर कंदरा खोह अनुमाना। राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई। कह दस कंठ कवन ते बंद, कुबेर दूत दस कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल कर नाती, शिव विरंचि पूजेहु बहु भांति। बर पायहु कीनेहु सब काजा, जीतेहु लोक पाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, आनी हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहु त्रिन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एही विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंशमणि, त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो।
आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान भाग 308वां, संगीतकार थे सतीश भाटिया।